हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, चल रही हैं क्लासेस क्लास एलेवेंथ क्लम नीट की। तो काइनेमेटिक्स टॉपिक इसके पहले बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था, एक बार इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिर से इसका रिवीजन यहां पे करने स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हर्षिता पढ़िए। जी सर, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज। अगर आप कॉज की बात नहीं करते हो तो आप कहलाएगा कि आपका काइनेमेटिक्स विदाउट नोइंग द कॉज। समझ गए ना? यस सर। अगर कारण की जानकारी नहीं है, यू डोंट नो व्हाई दिस मोशन इज हैपन, तो उसको बोलते हैं दिस स्टडी, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड किनेमेटिक्स। एंड व्हेन यू नो द कॉज एंड डिस्कसिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, देन द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, देन द स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। समझ में आया बेटा? ओके सर। यस, सो जिसमें आप कॉज को कंसिडर नहीं करोगे दैट इज कॉल्ड किनेमेटिक्स, और जिसमें कॉज को कंसिडर करोगे वो क्या होगा? मैकेनिक्स। चलिए पढ़िए रेस्ट। इफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट देन इट इज नोन एज रेस्ट। यस, मोशन। If position of particle changes with respect to time from a reference point, then it is known as motion. Yes, if position of a particle changes with respect to time from a reference point, okay, then it is called yes, sir. motion. Motion. Yes. Next, ये important point है. None of the object is at absolute rest or absolute motion. Rest and motion are related term. देखो यहाँ पे छोटू, यहाँ पर एक बात हुई है अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। बोलो हुई कि नहीं हुई है? हाँ सर, हुई है। फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। बेटा दो चीज़ें डिस्कस करने लायक है मोशन में। नंबर वन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ भी टाइम है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट, यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट है ना? यस सर। तो बताओ ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? सर, रेफरेंस पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता, अपन किसी भी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेफरेंस पॉइंट कभी फिक्स नहीं होता है। रेफरेंस पॉइंट को जनरली हम मानते हैं अपनी नीड के बेसिस पे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? यस सर। और रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हम जिस एरिया में हैं, हम जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन को हम एक फ्रेम समझ लेते हैं, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? यस सर। पढ़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू नो, टू नो रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। दिस रेफरेंस फ्रेम इज जनरली अर्थ, ग्राउंड एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस 000 एज अ रेफरेंस फ्रेम। हाँ, एक्चुअली इसको 000 को रेफरेंस फ्रेम नहीं बोलेंगे, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। इसे ओरिजिन बोल सकते हैं? हाँ, ये रेफरेंस पॉइंट है और इसी को हम ओरिजिन yes. बोल सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ यस सर। फ्रेम तो जिस आप एरिया में है मोशन को डिफाइन करने के लिए, है ना, जिस जगह पर हैं आप उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। नाउ डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ मोशन, पढ़िए टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। वन डायमेंशन, वन डायमेंशन अ मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज यूज्ड और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस अलोंग एन एक्सिस देन इट्स मोशन इज नोन एज वन डायमेंशन मोशन। इफ अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस देन इट्स देन ओनली इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस मोशन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। बिल्कुल सही, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन या आपका वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़िए सेकंड पॉइंट। यस सर। टू डायमेंशन, इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज
नोन एज टू डायमेंशन मोशन, जिसके एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, देखो बेटा ये सर्कुलर मोशन है एंड सेकेंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिकॉज एट ए टाइम टू कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग। यस नो? यस सर। नेक्स्ट थर्ड पढ़ो। ओके सर। थ्री डायमेंशन मोशन, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज नोन एज थ्री डायमेंशन मोशन, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बर्ड। एग्जैक्टली, तो ये तीन टाइप के मोशन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। नाउ अब हमारा टॉपिक जो है वन डायमेंशन मोशन से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशन मोशन। पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर के रेफरेंस में डेफिनेशन। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बढ़ती है वो इसी से बनती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पढ़ो, शॉर्टेस्ट पाथ। Shortest path या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। yes, अब देखिए आपको मैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यदि मान लीजिए आपके पास में सबसे पहले कोई पॉइंट है, उसकी पोजिशन थी ये पी, मान लो आप इसको पी पॉइंट पे था, उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वन वाई वन जेड वन, तो उसका पोजिशन वैक्टर कितना हो गया आर वन, कितना हो गया R1. तो ओरिजिन से लेकर के P तक का वेक्टर OP, OP वेक्टर, OP वेक्टर, तो OP वेक्टर में ओरिजिन से लेके P तक जाने में जो वेक्टर जनरेट होगा OP का, दैट इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर, होगा। और ऐसे O से लेके सपोज आप पॉइंट Q तक गए हो, तो O से लेके Q तक का जो वेक्टर जनरेट होगा दैट इज इक्वल टू एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के कैप। ये सुनो। यस सर। OP को शॉर्ट में मैंने लिख दिया R1 वेक्टर और OQ को शॉर्ट में मैंने लिख दिया R2 वेक्टर। क्लियर? यस सर। अब ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो लगातार साइड का सम तीसरे के इक्वल होता है, तो दो लगातार कौन है बेटा? R1 यस प्लस डेल्टा आर। यस, क्योंकि आर से आर तक गए यहाँ डेल्टा आर। बोलो यस। यस सर। इक्वल टू आर टू वेक्टर। ये सुनो, होगा कि नहीं होगा? यस सर। दो लगातार इक्वल टू थर्ड वन रिमेनिंग, सो इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, तो डेल्टा आर की वैल्यू निकालो, सो डेल्टा आर इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। आर वन की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, वैल्यू दोनों की पुट कर दो, है ना? R क्या हो गया? डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो क्या बन गया अपने पास? डेल्टा R इक्वल्स टू X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, Z2 माइनस Z1 K कैप। क्लियर? बन जाएगा ना? हाँ सर। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहला गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना? तो यदि आपके पास में कोई भी दो पॉइंट पे आप डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए अब आते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी, मीटर ऐसा यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस, डायमेंशन तो जानते ही हो बच्चों वाला काम। अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे डील होती है। हाँ, एक कॉपी में बना लो बेटा चारों डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। ओके सर, बना ली सर। हाँ बेटा, देखो बेटा जो ईस्ट होता है ना, उसको हम लोग ईस्ट के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। आई कैप। और नॉर्थ के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं बेटा जी कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। इधर वाले को बोलेंगे बेटा माइनस आई कैप और इधर वाले को बोलेंगे माइनस जे कैप। यस सर। अब देखो ये जो वेक्टर बीचो बीच निकल रहा है बेटा, ये कितना बनेगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है? यस सर। समझ में आया? कैसे आया तुमको? समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, आ जाओ देख लेते हैं कैसे बनता बेटा।
वेक्टर के रेजोल्यूशन का कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर आर है तो इसके दो टुकड़े टूटेंगे, एक ये टूटेगा आर कॉस थीटा और एक टूटेगा आर साइन थीटा, पता नहीं बात? हाँ सर। अब इस वेक्टर आर को आप कंप्लीटली दो फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर आर इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, बोलो। जे कैप, यस सर। अब बेटा ये क्योंकि डायरेक्शन है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 45 होगा। हाँ सर। और यहाँ भी 45 होगा, होगा ना? हाँ सर। हाँ मतलब सर। थीटा 45 है, हाँ है ना? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 45 मतलब 1 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस आर साइन 45 मतलब 1 अपॉन रूट टू जे कैप। जे कैप, यस सर। आर की वैल्यू क्योंकि यूनिट वेक्टर चल रहा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाँ। कितना होता है, 1, कितना होता है, वन, तो आर की वन। जगह 1 रख दो, तो 1 अपॉन रूट टू आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट टू जे कैप, क्लियर? यस सर, तो क्लियर। आई प्लस जे अपॉन रूट टू, दोनों पॉजिटिव थे तो आई प्लस जे अपॉन रूट टू, क्लियर? यस सर। अब इसमें ये नेगेटिव है तो माइनस आई प्लस जे, क्योंकि आई नेगेटिव था हाँ और इसमें दोनों नेगेटिव है तो माइनस आई माइनस जे, यस सर। और लास्ट वाले में आई पॉजिटिव जे नेगेटिव आई माइनस जे अपॉन रूट टू, क्लियर? यस सर। नहीं क्लास चल रही है भाई, चलो भागो यहाँ से, दीदी पढ़ रही हैं, सुई लगा देंगे तुमको, चलो जाओ, ठीक है? यस सर। सुई लगा देंगी, दीदी पढ़ रही हैं। हर्षिका हाँ सर। सुई लेकर के आ जाओ, ये सुई लगाना है इसको, आ रही हूँ सर। ये सुई लगा कर लेके आ जाओ इस डॉक्टर के यहाँ से, इसको सुई लगा लो, लेके आ रही है सुई। हर्षिका बोल दे इसको मैं सुई लेके आ रही हूँ। हाँ मैं ला ही रही हूँ बस तुम्हें लगाने सुई। आ रही, आ रही है, आ रही है, जल्दी भग 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 भग, जल्दी जल्दी आ रही वो, भग चलो। अब देखो बेटा ये हो गया, यस सर। अब इस पर भी हम क्वेश्चन करते हैं, तो चारों वेक्टर आपको समझ में आ गए? जी सर, आ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिखा, अ पर्सन मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो बेटा ओरिजिन सेट कर लो, ये अपना ओरिजिन है, बोलो। हाँ हाँ सर। अब 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, ये लो, तो बेटा 1 मीटर, 1 यूनिट यानी 1 मीटर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप। आई कैप, तो 5 मीटर का कितना बनेगा, 5 आई कैप। 5 आई कैप, ओके। देन इसके बाद में 5√2 टूवर्ड्स वेस्ट, 5√2 टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर रेफरेंस सेट करो, यहाँ पर जब तुम रेफरेंस सेट करोगे 5,0 पर तो सिचुएशन क्या बनेगी, तुम 5√2 टूवर्ड्स वेस्ट तो जाना है, मगर कैसे जाना है ये भी देखो भाई, यहाँ तक आ गए, ये आ गए यहाँ तक, अब इसके बाद यहाँ खड़े हो, अब वेस्ट की ओर जाना है, तो ये है अपना इस पॉइंट पर, ये है ईस्ट और ये है अपना क्या, वेस्ट, वेस्ट है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है, पर्सन मूव 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन 5√2 टुवर्ड्स वेस्ट, ओके। यस सर। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? 5√2 टुवर्ड्स, इसको वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, 5√2 टुवर्ड्स इसको नॉर्थ वेस्ट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए बेटा? वही सर, नॉर्थ वेस्ट हो, क्योंकि वेस्ट हाँ तो फिर रिट्रेस कर जाएगा हाँ पार्थ। वेस्ट में तो रिट्रेस कर जाएगा, गुड। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना? तो नॉर्थ वेस्ट कर दिया, अब बोल रहा है कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, क्लियर? यस सर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये भी वेक्टर का टुकड़ा है, ये भी वेक्टर का टुकड़ा है, तो वेक्टर सुपरपोजिशन लॉ को सेटिस्फाई करता है, ओके। कहता है डायरेक्टली ऐड कर दो, क्योंकि दो वेक्टर का सम निकालना अपन को, यस और नो? यस। बस हमको दिमाग क्या लगाना है कि इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख दिया अपन ने 5 आई कैप, बोलो यस। हाँ सर। अब 5√2 दूसरा वाला वेक्टर ये लिखना है अपन को, ऐसा वाला, तो जरा सोचो हाँ। इसमें कौन सा फिट होगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये वाला फिट होगा कि नहीं माइनस होगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन हाँ, रूट तो ये वाला दिमाग बस लगाना पड़ेगा कि इसमें माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू लगाना पड़ेगा, ठीक ना? चलो, तो रूट टू से रूट टू क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल, 5 आई कैप माइनस 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप,
कैंसिल कैंसिल, आंसर बोलो कितना, 5G। फाइव जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये वेक्टर फॉर्म से आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तरीका एक और है, यस आप एक काम करो, ईस्ट की तरफ चल गए 5, फिर आपने चला नॉर्थ वेस्ट, तो ऐसा चलेगा 5√2, ये 5√2, इसको एक्स मान लो, यस और नो? अब यस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू फाइव रूट सर। टू का स्क्वायर, मतलब 25 दूने 50, बोलो हाँ। हाँ सर। तो एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, तो एक्स इक्वल टू 5, बोलो यस और नो? पांच। तो हाँ मतलब सर। कितना यस हो गया, सर। एक्स 5 हो गया, और दिमाग लगा के बोल दिया ऊपर की तरफ, तो 5J कैप। क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैनुअली भी कर सकते हो और वेक्टर मस्त एकदम ऐसा कर सकते हो। तो इसमें टोटल आपको फाइनली डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो इस लॉ से निकाल लिया। मतलब जितने भी वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, अगर आपको सबका रिजल्ट निकालना है तो बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितने भी वेक्टर दिए गए हों सबको ऐड कर दो, मतलब एस वेक्टर रिजल्टेंट जो होता है सारे वेक्टर का सम होता है। क्या होता है सबका सम? होता यस, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फाइंड द, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हेन इनिशियल पोजीशन इज 5i कैप प्लस 4j कैप कॉमा 3k कैप, देन एंड फाइनल 1i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप। हाँ, तो बहुत ही सिंपल है, इससे घटिया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो हाँ या ना? यस सर। निकाल लोगे? हाँ सर, बस माइनस ही तो करना है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वर्क डन का फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता? हाँ सर। FS cos थीटा। हाँ बेटा, डॉट प्रोडक्ट में होता है एफ डॉट एस, क्या होता है हाँ सर। एफ एफ डॉट डॉट एस, एस तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। क्या कह रहा है बेटा, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, तो बताओ इन दोनों का यूज करके पहले क्या निकालोगी? डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा किसका यूज करके सर? ऊपर के जो दोनों लिखे हुए हैं, अच्छा हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट। यस वो क्या सर। निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट। यस हाँ, तो सर। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ सर। यस, ये देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना? वेक्टर एस क्या है? वेक्टर एस, वेक्टर एस। एस इक्वल्स टू R2 माइनस R1, दिस इज कॉल्ड डेल्टा और ऑल्सो, बोलो बन जाएगा? हाँ सर। तो निकाल लिया वेक्टर एस, और फोर्स दिया ही हुआ है, यस 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना? यस सर। के कैप है ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर लोगे, डॉट सीधे सीधे होता है, 4 2 जा 8 3 1 जा 3। हाँ क्लियर? हाँ सर। क्लियर। चलो चलिए डन, पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो बिटवीन टू पॉइंट्स, ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव पॉजिटिव आर जीरो बिटवीन टू पॉइंट ओनली शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो और पॉजिटिव, ठीक है यस सर। ना? देन डिस्टेंस पढ़ो बेटा। लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट कवर्ड कवर्ड इन अ टाइम इंटरवल, जिस डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एट रेस्ट इज जीरो, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल, हाँ, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज पॉसिबल। समझ में आ गया? हाँ सर। सारे पार्ट क्लियर है? यस सर। चलो पढ़ो क्वेश्चन। आकार, अ कार ट्रेवल्स 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स ईस्ट, देन रिटर्न टू बैक ट्रैक ऑन सेम पाथ एंड ट्रेवल 6 मीटर, फाइनल टोटल डिस्टेंस, नहीं फाइनल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड नॉट डिस्प्लेस नेट डिस्प्लेसमेंट। हाँ बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? सर 2 प्लस 6 8 मीटर। सर डिस्टेंस तो होगी 8 मीटर। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में वो आई कैप लगाना पड़ेगा, तो 2i कैप माइनस 6i कैप।
is equals to minus four i cap. Yes sir. हाँ ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ओके ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। हाँ पढ़ो ये मंकी। यस सर। अ मंकी वॉक्स 5 meters टुवर्ड्स ईस्ट, देन 6 meters टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली क्लाइम्स 3 meters अप अ ट्री। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो डिस्टेंस तो सबको ऐड कर देंगे तो 5 + 6 = 11 + 2 = 13 meters हो गई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये 5 meters ईस्ट में वॉक कर रहा, मतलब एक्स एक्सिस पे, तो 5i cap + 6j cap + 2k cap। बिल्कुल सही। अगर बेटा यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोल देता, सो एस निकालने हाँ। के लिए बेटा इसमें फिर क्या लगता, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का। यस सर। चलो ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आकार दोनों में सर कार है, कौन सा वाला? अच्छा ऊपर वाला पहले। अच्छा, अ कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, कवर्स फुल सर्कुलर पाथ इन 10 seconds। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को टाइम से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ सर। तो ये तो मैं तुम्हें उल्लू बना रहा हूँ है ना। चलो निकालो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। हेलो। यस सर निकाल। पढ़ो बेटा इसमें। अ कार इज मूविंग, ऊपर वाला सर डिस्टेंस तो इसकी होगी 2πr। हाँ डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। 2πr। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अच्छा नहीं सॉरी सर 5 सेकेंड में निकालना, मतलब आधा पाथ कवर कर रहा है। हाँ तो डिस्टेंस इसकी होगी पाई आर और डिस्प्लेसमेंट होगा पाई आर बाय, नहीं डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 2r। हाँ रेडियस। बिल्कुल सही। तो 10 सेकेंड उल्लू नहीं बना रहा एक्चुअली, ये 10 सेकेंड में पूरा कवर करता है तो 5 सेकेंड में आधा करेगा है ना, आधा कवर कर। तो डिस्टेंस हो गई इसकी पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी 2r। ठीक है। यस सर। ठीक है एक मिनट बेटा, वो कॉल आ रहा है है ना, मैं आप थोड़ा जी दो मिनट वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, पढ़िए बेटा। A car is moving on a circular path of radius r, covers full circular path in 10 seconds. Find the distance and displacement magnitude covered in 25 seconds. हाँ बहुत ही सिंपल है, 25 सेकंड में बताओ डिस्टेंस कितना होगा? सर यूनिटरी मेथड से करेंगे ना इसको। इतना क्या सोचना, कहाँ का यूनिटरी मेथड? अरे 10 सेकंड में एक चक्कर कर रही है, बोलो। हाँ हाँ तो भाई 25 सेकंड में कितना हुआ, 10 + 10 + 5 हुआ ना भाई चक्कर। तो 2πr + 2πr + ½πr यानी कि 5πr। क्लियर? हाँ यस यस। ठीक यस सर। और चल करके एक चक्कर में यहाँ, दूसरे चक्कर में यहाँ और आधे चक्कर में यहाँ, तो कितना हुआ पाई आर हुआ, सॉरी 2r हुआ डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर हो गया डिस्प्लेसमेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r। क्लियर? यस सर। हाँ तो ये रेडियस लिख दिए बच्चे ने, यहाँ पे क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डन? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। A wheel is rolling without slipping on a straight road. Find displacement magnitude when it rolls down 2.5 turn. जब ये 2.5 turn complete कर लेता है तो yes, आपको sir. बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है? यस yes. हाँ एक व्हील है, रोटेट कर लेता है 2.5 टन, तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो बेटा ये चक्का है सर। यस सर 2r नहीं होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है तुमने बोल दिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब देखते हैं बेटा। नहीं पिछले क्वेश्चन में तो सेम पढ़ा था ना।
रुको तो, जी सर, जी सर बोलिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रोल्स। ये एक्चुअली चक्के का डिस्प्लेसमेंट तुम कैसे निकाल लोगे, ये व्हील के किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अ अच्छा, व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट यस, रोल्स 2.5 टन्स। मतलब चक्के के किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। चलो ये चलना शुरू हुआ, बोलो हाँ। सर, एक पूरे चक्कर के बाद ये वापस यहीं पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। एक चक्कर हो गया। एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 पाई आर। समझ में आ रहा है इतना? ऊपर, यस सर, देन फिर एक चक्कर के बाद ये यहां पर आ जाएगा, यस की नो? दिस इज यस अगेन इक्वल टू 2 पाई आर, यस और नो? सर, नाउ अब ये जो व्हील का ये वाला पॉइंट है, आधे चक्कर में एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा, यस और नो? यस सर, पक्का? हाँ सर, क्योंकि ऐसा समझ लो कि इस पट्टे को खोल दो और ये वाली डिस्टेंस पाई आर हो जाएगी, यस और नो? हाँ सर, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 4 पाई आर प्लस 1 पाई आर, टोटल हो गया 5 पाई आर। बोलो हाँ या ना? फाइव क्लियर? पाई यस एंड सर, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 आर। हाँ या ना? रेडियस डायमीटर है ना? हाँ सर, 2 आर, 2 आर ना? नहीं आया हाँ समझ? सर, आ गया सर, ओके। अब ये राइट एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा? बन रहा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यस सर, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरेट होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस होगा, यस थ्योरम सर, लगेगी। लगेगी। आंसर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट 5 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ये क्वेश्चन नहीं करा है क्लास में क्या? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कराया। हे भगवान, ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है, ये तो बहुत गलत है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, ओके, पढ़ो। आकार हर्षिका, हेलो। हाँ सर, सॉरी सर, वो माइक म्यूट अकार था, इज वो मैंने मूविंग। देखा नहीं। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मेंशनड पॉइंट। एक कार जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे मूव करती है। यस सर, आपको अलग अलग सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाने हैं। ये हैं आपकी पोजीशंस दी गई हैं ए बी, ये सारे लिख लो। पहले एक काम करो, डायग्राम बना लो कॉपी में। सर, बना लिया? एक मिनट सर, बना लो। यस सर, बन गया। और ये बनाने के बाद जो है आप, हाँ चलो निकालो ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ए बी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना होगा बोलो? डिस्टेंस टू होगा पाई आर ये का फोर्थ पार्ट। फोर, यस सर, 2 पाई आर बाय 4, यानी हाँ कि तो पाई पाई आर आर बाय बाई टू टू यस सर, हाँ। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वो आर का स्क्वायर प्लस आर का हाँ स्क्वायर, तो चलो वो करो, रूट सारे टू करो, आर आएगा सर। सारे करो कॉपी में, सारे करो। यस,
सर कहाँ से सर सभी पॉइंट्स की निकालनी सब की है? निकालो, हाँ चारों की। चलिए यदि सभी आपने कर लिए तो मैच करिए। ए बी डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्टेंस हाफ ऑफ पाई आर। ए सी डिस्प्लेसमेंट 2r, ए सी, हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट सर, 2r होगा और डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, ठीक है। यस ए डी रूट 2r सर, और हाँ डिस्टेंस हो जाएगी 3/4 पाई आर, यस और नो? सर मेरी 3/4 पाई डिस्टेंस कैसे आई? अरे चली है ए से ना, तो ए से मूव करके रास्ता तो यहाँ से ट्रेवल होगा ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। सो इतना पार्ट कितना हाँ है, पाई सर, आर बाई फोर है कि नहीं है बोलो। हाँ सर, सो 3 टाइम्स पाई आर बाई 4, दिस इक्वल टू 3 पाई आर बाई 4। अच्छा ऐसे तुमने में, गाड़ी यस को अपने सर। सहूलियत से नीचे से घुसा घुसेड़ दिया है ना। नहीं सर, हाँ तुमने गाड़ी को ऐसे चला दिया, बोले चलो हम चलाएंगे गाड़ी, ठीक इजी है। रहेगा ना। हाँ इजी तो रहेगा, मगर अब फिजिक्स कह रही है भैया ए से लेके डी जाना है, ए से लेके डी यूजिंग यस बिग पाथ। ये बात सही है, मेजर लिखना चाहिए इनको, बड़ा वाला पाथ, मतलब एक ही हाँ डायरेक्शन में मूव कर सर, रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वापस नहीं आएगी बार बार। यस अगला सर, ए ए, ओ भाई साहब 0 और डिस्टेंस ये कितनी? तो आ गया 2 पाई यार। डिस्टेंस 0 लिख दी, नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्टेंस तो 2 पाई यार है। सही, चलो डन हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, एक पार्टिकल है वो ए से चलता है, बोलो हाँ, ई तक जाता हाँ है सर, और बीच का हाँ एंगल बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी सर, रेडियस आर है तो बताना है आपको कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा किसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का? ए से ई ए से लेके तक ई तक का, हाँ का? सर पता आ जाएगा ना सर? कहीं पर मान लीजिए अगर ऐसे एंगल मिल गए तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला डायरेक्टली 2r sin θ/2, ठीक है। यस सर, यस, तो 2r sin θ/2, थीटा कितना 60, 60/2 30, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा r। अदरवाइज दूसरा तरीका यस ये है कि ये 60 है तो ये रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगा, अब ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा आर। हाँ डन, सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आकार, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मेंशन्ड पॉइंट। ये तो अभी करा ये ना। अरे तो बेटा उस वाले को क्यों कर रहे हो, राइट वाले को करो। अच्छा हाँ, अ कार मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 6 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन फाइनली 8√2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ सिंपल है, ईस्ट का क्या होता है आई कैप, आई कैप, नॉर्थ का होता है जे कैप, जे कैप, और नॉर्थ ईस्ट बताया था मैंने आई कैप प्लस जे कैप बाई 2, याद है, हाँ सर, आई कैप प्लस जे कैप बाय 2, यस सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट हाँ और बीच में से आई कैप प्लस जे कैप बाई 2, यस और नो?
यस सर। आई क्यू प्लस जे के बाई रूट टू कर लोगे? सर रूट टू नहीं, टू आएगा ना। नहीं, रूट टू आता है, टू नहीं आता, रूट टू आता है। 45 45 से याद करो, रूट टू बनता था। अच्छा हाँ सर, हाँ 45 सर, डिग्री से रूट टू बनता था, याद आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो रूट टू मैग्नीट्यूड कितना आएगा। दिया है बेटा? 8√2। तो 8√2, और इसका डायरेक्शन वेक्टर ये हो जाएगा, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। तो वेक्टर जनरेट हुआ ये। तो तीनों वेक्टर का सम, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ऐड कर दिया, आंसर ये सी आ गया। क्लियर यस सर, बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नोट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस। याद रखना, मॉडुलस लगाना मत भूलना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट का मॉड नहीं लगाओगे तो वो वेक्टर रहा आएगा, और स्केलर और वेक्टर को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए दोनों को हाँ अपन सर, ने मैग्नीट्यूड बनाया है। क्लियर है? यस सर। पढ़ो, डिस्टेंस इज ओनली, डिस्टेंस इज ओनली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पाथ इज इन सेम डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ वन जैसे डायरेक्शन में हाँ मूव मतलब कर वन सकते। डायमेंशन में अगर मूव होगा, वन डायरेक्शन में, है ना, तो यस आपका सर, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे। क्लियर? यस सर। चलो एग्जांपल नेक्स्ट पढ़ो। एग्जांपल कोटा टू जयपुर 150, कोटा टू जयपुर बाई रोड डिस्टेंस 200 किलोमीटर, एंड बाई हाँ एयर सर, डिस्टेंस इट इज़ 150 किलोमीटर। तो बाई एयर को क्या मानोगी तुम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड व्हेन कवर्ड बाय द कार, बोलो। 200 किलोमीटर, व्हेन कवर्ड बाय द फ्लाइट, 150 किलोमीटर, हाँ, तो बाई कार 200 एंड बाई डिस्प्लेसमेंट 150 होगी। अगर कार से चले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि शॉर्टेस्ट मतलब नहीं है, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट से मतलब है ना, कार भले ना जा पाए, भले ही उड़ के जाए। भले उड़ के जाए या जैसे भी जाए, बट डिस्प्लेसमेंट कार के लिए बदल नहीं जाएगा, वो शॉर्टेस्ट ही रहेगा। ठीक, हाँ सर, अगला क्वेश्चन, यस सर। सर्कुलर पाथ में लिख लो, 1 राउंड 40 सेकेंड का है, हाँ, कितने सेकेंड का? 40 सेकेंड का। 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। अच्छा, 1 राउंड 40 सेकेंड का है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। यस सर, 1 मिनट। टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। हाँ सर, कर रही।
सर डिस्टेंस तो आ गई 7 पाई आर। कितनी आएगी? 7 पाई आर। बिल्कुल सही, सही। डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट यस सर। बेटा देखो 40 सेकंड का है, बोलो। हाँ, एक चक्कर हाँ सर। तो 3 चक्कर हो गए 120 के। हाँ सर। 40 40 120, बोलो। हाँ, हाँ सर। 3 चक्कर हो गए। हाँ सर। अब 3 चक्कर मतलब 3 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3। तो 3 राउंड में तो वहीं तक आ गया, मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट, बोलो। हाँ हाँ, हाँ अब बचा कितना? 20 सेकंड और बचा। हाँ 20 में आधे में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? आधे में तो पहुंचेगा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितनी जनरेट हुई? 2 R। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा यस सर क्लियर। चलो ये डायग्राम देखो स्क्रीन पे। ये एक सर्कल है जिसमें इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 200 मीटर। कितनी मीटर? 200 मीटर। पॉइंट ए से चल के पॉइंट पी तक कोई बंदा 3 रास्तों से जाता है, ए से, बी से, सी से। आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा सर बी ही होगा। अच्छा कितना मैग्नीट्यूड बताओ। अच्छा रेडियस इसका 200। सर 400 मीटर होगा बस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बन जाएगा ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखो बेटा क्वेश्चन कॉपी में। ओके सर। एक सिक्का है, सिक्के का बॉटम पॉइंट पी है, सिक्का आधा रोल मार करके पी पॉइंट ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है? यस सर। सिक्का आधा घूम करके ऊपर पहुंच गया। अब उस सिक्के के पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट काउंट करो। पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर। वेरी गुड, सॉल्व करो कितना आ रहा, सॉल्व करके बताओ। गया। ओके, तो यही आया आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, यही ना? हाँ सर पाई स्क्वायर प्लस 4। यस सर। चलिए ठीक है, तो हर्षिका आज की क्लास को यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। कल इसके आगे मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल, ठीक ना? और एक हाँ ब्लैक सर। वाली शीट बेटा मैंने भेजी आपको, आप कोशिश करो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल है उसमें क्वेश्चन है ना, उसको भी बैठ यस करके सर। पूरी सर लगा मजा देना। आया पढ़ने में बड़े दिनों बाद अच्छे से। क्या बोली? मजा आया पढ़ने में बड़े दिनों बाद अच्छे से। क्यों ऐसा क्यों, डेली मजा नहीं आता क्या? नहीं सर आता था डेली मजा, लेकिन आज ज्यादा आया क्योंकि 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए थे ना क्लास, इसलिए। हाँ, वो इंटरेस्ट आ जाता है ना। हाँ और आज मेरी स्पीड भी कम है। नहीं स्पीड तो अच्छी है सर, कम स्पीड नहीं कम है। है मेरी, कम है स्पीड। नहीं तो जो मेरी कम है वो तुम्हारे लिए अच्छी है। अरे तो सर क्या करें, फिर थोड़ी सी ढीली है ना। नहीं तो ठीक है ना, मेरे को भी ये समझ में आया कि स्पीड थोड़ी कम रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब बच्चों के हिसाब से चलना ही चाहिए आखिर। चलो ठीक है, अच्छा लगा। तुमको जैसा लगा करे वैसा बोल दिया करो। तुम बोल दोगी सर स्पीड कम रख दो तो बिल्कुल कम रख देंगे, ठीक है ना? जी सर। हाँ ठीक है, तो इस शीट को, ये वाली शीट और एक ब्लैक वाली शीट दी है मैंने, इसके न्यूमेरिकल कोशिश करना ब्लैक वाली लगाओ, क्योंकि ये मैं तुम्हारी पूरी मैं लगवाऊंगा सामने बैठलवा के, ठीक है? ओके सर। चलो गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर, बाय।